ये कहानी एक श्रापित पेंटिंग की है जो एक मशहूर चित्रकार ने बनाई थी। शुरुआत में यह पेंटिंग बेहद मशहूर हुई, लेकिन कुछ समय बाद ही इसे जमकर बदनामी भी मिली। दरअसल ये तस्वीर कई हादसों की जिम्मेदार मानी गई है। तो चलिए जाने क्या है इस पेंटिंग का रहस्य। दरअसल ये बात है 1985 की। एक मशहूर चित्रकार जियोवानी ब्रोगली ने एक रोते हुए बच्चे की चित्र बनाई थी जिसका नाम द क्राइंग बॉय था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रोगली की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति में इस पेंटिंग को स्थान मिला था। कहते हैं कि ये पेंटिंग जिधर भी लगाई गई वहां बुरी तबाही मची। ये कहानी किसी मामूली चित्रकार बनाई तस्वीर की नहीं, बल्कि इटली के मशहूर चित्रकार जियोवानी ब्रोगली की बनाई पेंटिंग की है। इस पेंटिंग की कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इस पेंटिंग में बहुत अजीबोगरीब राज छुपा है। तो चलिए जाने कि इस पेंटिंग का राज क्या है। जब क्राइंग बॉय की तस्वीर खूब पसंद की गई तो ब्रोगली ने इसकी पूरी श्रृंखला तैयार कर दी। पेंटिंग इतनी मशहूर हो गई कि इस पेंटिंग की 50,000 तक प्रतियां बनाई गई। ब्रोगली को इस पेंटिंग ने बेहद मशहूर किया, लेकिन ये भी सच है कि उन्हें शोहरत दिलाने के बाद इसी पेंटिंग ने उन्हें बदनामी भी दिलाई। कहते हैं जिन लोगों ने इस पेंटिंग को खरीदकर अपने घरों की दीवारों पर सजाया उनकी जिंदगी तबाह हो गई। घरों में हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। तस्वीर का नाम तब ज्यादा उछला जब एक अग्निशमन रक्षक का एक उससे जुड़ा एक बयान सामने आया। उस दमन कर्मी ने दावा किया कि वह करीब 15 घरों में आग लगने पर अपनी टीम के साथ गया। वह जिस भी घर में आग बुझाने जाते वहां द क्राइंग बॉय पेंटिंग मिलती। उसका कहना था कि घर का सारा सामान जल चुका होता, मगर यह पेंटिंग हर हाल में सही सलामत मिलती। बस तभी से पेंटिंग को श्रापित माना जाने लगा। लोगों ने इस पेंटिंग को घरों में रखना बंद कर दिया। बाद में एक अखबार के कहने पर हेलोवीन त्योहार के बॉनफायर से सैकड़ों की तादाद में इस पेंटिंग की प्रतियां जला दी गई। संयोग देखिए कि इसके बाद हादसों में भी कमी आने लगी, यानी लोगों ने मान लिया कि पेंटिंग वाकई श्रापित थी। अब तो आपको इस तस्वीर का पूरा रहस्य समझ में आ ही गया होगा कि ये पेंटिंग एक श्रापित पेंटिंग है, क्योंकि यह पेंटिंग जिस भी घर में जाता था उस घर को जला देता था। और यही नहीं, और तो और पूरा घर जल जाता था, बट इस पेंटिंग को एक खरोच तक नहीं आती थी। अब तो आप इतना समझ ही गए होंगे कि इस पेंटिंग का रहस्य क्या था। आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको भी ऐसी ही रहस्यमयी चीजें जाननी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।